हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगर आप अपने स्मार्टफोन से अपने गूगल अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं या जो भी आपका अनवांटेड अकाउंट है उसको रिमूव करना चाहते हैं अपने डिवाइस से, तो उसके लिए आपको सिंपली कौन से स्टेप को फॉलो करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की जीमेल अकाउंट में चला जाना है। जीमेल अकाउंट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां आपको प्रोफाइल डीपी का जो आइकन है उस पर आपको सिंपली वन क्लिक कर देना है। जहां आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में डीपी का एक आइकन देगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे जो आपके डिवाइस में चल रहे हैं। आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। आपको सिंपली इसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, पासवर्ड एंड अकाउंट्स का। आपको सिंपली सेकंड में जो पर्सनल में गूगल अकाउंट लिखा होगा आपको सिंपली गूगल पर टैप कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सारे ईमेल अकाउंट जो इस डिवाइस में चल रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको सिंपली जिस भी अकाउंट को रिमूव करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट दिखाई देंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। एंड देन आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, सिंक नाउ और रिमूव अकाउंट का। तो अगर आप रिमूव अकाउंट का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तब ये जो जीमेल अकाउंट है या गूगल अकाउंट है वो आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगा परमानेंट। और अगर आप सिंक नाउ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपके ड्राइव में फोटोज या जो भी मेल है वो आपके वो मेल जो है इस अकाउंट पर सिंक हो जाएंगे, मतलब जब भी चाहे आप उनको रिकवर कर सकते। तो सिंपली अकाउंट को रिमूव करने के लिए रिमूव अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से बड़ी इजी तरीके से आप अपने अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलो, और इसी तरह कम टाइम में एक यूजफुल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब उनको प्रेस करना ना भूलो।